वो छूट गया। सामान को हटाइए तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बिलासपुर से 8 किलोमीटर दूर खैरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर खेत खलिहान का माहौल है। यहाँ पर ये किसान लोग और इनके चारों तरफ खेत होने की वजह से लगातार इनका सांपों से सामना होता रहता है। इनका कहना यह है कि जब यहाँ पर बाहर इन लोगों ने एक टोकनी पे कुछ बोरी वगैरह रखा हुआ है तो इनका कहना है कि इन्होंने वहाँ पर तो 4 सांपों को देखा है। तो किसमें देखे थे बाबूजी? इसी टुकड़ी में। इस टुकनी में? हाँ, इसी टुकनी में देखा था मैं। उसी फट्टी को लेने गया तो वैसे जब हाथ निकल लगाया तो उसमें मेरा सांप दिखा। अच्छा। तो पहले भागा, फिर उसके बाद मैं उसको फिर से देखा तो उसमें मेरे को लगा और 200 है। तो फिर उसको मैं इसको बाहर, हाँ, टुकनी के अंदर सांप देखा है। कहाँ पर पूछ दिखा? अरे बाप रे, ऐसा नजारा देखना लगभग नामुमकिन होता है। ना ना ना, बोली टाओ। अरे बाप रे, ये क्या है? आपने एक आध दो सांप देखा था? यहाँ तो लगता है सांपों का पूरा परिवार आके बैठा हुआ है। दोस्तों, बाबूजी का कहना एकदम सही था। इन्होंने यहाँ पे कुछ 2-3 सांपों को देखा था पर मुझे लगता है कि 2-3 सांप से यहाँ पे ज्यादा सांप है क्योंकि लगातार यहाँ बिलासपुर में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ज्यादातर सांप लोग सूखी जगह की तलाश में कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। चलिए देखते हैं आखिरकार दोस्तों की 2-4 सांप है कि कितने सांप है यहाँ पर। हम एक एक करके निकालेंगे सांप को और बाकायदा आपको काउंट करके दिखाएंगे कि कितने सांप है। ये 1 सांप, ये 2 सांप। डर मत। ये 3 सांप, अभी और है दोस्तों इसके अंदर सांप। ये 4 सांप, चार सांप है दोस्तों। अभी तो फिलहाल हमको 4 सांप ही मिला है लेकिन उसके बावजूद अंदर सांप है। सांप ही सांप है। एक कुछ इधर दिख रहा, देखो वहाँ भी एक है। हाँ, 5वां है। अरे बाप, अभी भी 1 सांप बाकी है अंदर। और कितने सांप है इसके अंदर? 1 सांप और है अभी अंदर। नीचे से निकल रहे? नहीं, टोकनी नीचे से भी लग गया है। तो भाग मत ना बेटा, मेरे साथ रहना। भागूंगा, डरा मत। काहे डर रही बेटी? वो अंदर से गया। वही है पतला, ये पतला पूछी है ना, ये वाला अंदर है, ये पतला पूछी वाला। हाँ हाँ, वही है अंदर। सर तुमने कहा है देखना, लकड़ी लगे तो भी अच्छा है। आगे तरफ मत जाइए बाबू जी, वो छूट गया। सामान को हटाइए तो लापा पहले हटा लो ना, इसका फोन आ रहा है। दोस्तों
वाकई में इस सांप को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका जो मसल्स पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों मेरे हाथ में अभी कम से कम 5 घोड़ा पछाड़ सांप है जिनके तेजी और ताकत के आगे हर कोई कमजोर पड़ जाता है, और इस टोकनी के अंदर एक और सांप है, तो इन सबको एक साथ हैंडल करना देखिए कैसा मुश्किल होता है क्योंकि इनके मसल्स पावर के आगे मेरा कुछ नहीं चल पा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों जितनी जल्दी हो सके इसको अंदर डालते हैं। मेरे हाथ में है भारत का सबसे तेज सांप घोड़ा पछाड़ जिसकी ताकत के आगे हर कोई कमजोर हो जाता है। कितने सांप हैं? 6 सांप हैं। बाप रे। परिवार वालों कहना था कि 2 या 3 सांप देखे थे, पर देखिए दोस्तों 6 सांप निकले जो मुझे भी जकड़ने पे तुले हुए हैं। अब इन दोनों को भी अंदर करते हैं दोस्तों। जी हमें तो देखिए दोस्तों फाइनली आरती ने बड़े तकलीफ से इसको सांपों को अंदर किए, क्योंकि एक सांप को हैंडल करना घोड़ा पछाड़ को बड़ा मुश्किल जाता है, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे इतने सारे सांप को हैंडल किए और बड़े मुश्किल से इनको डाली, और एक साथ इतने सारे सांप मिल पाना मुश्किल है। दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है एक साथ इतने सारे सांप। इसको देखो ना बेटा, मैं तो देख रहा हूँ, सबको देख रहे हैं। देखो कितना सारा है, कितना सारा सांप है, बताओ कितनी होरी पकड़े। 6 सांप है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे समय कोई सा भी हो। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर स्नैक बाइट होता है तो आप लोग हॉस्पिटल ही जाइए, झाड़ फूक देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए इसके बाद, क्योंकि कोई आपकी जान नहीं बचा सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने और अपने परिवार के ख्याल रखिएगा। और YouTube पे हम लोगों का चैनल है कमल चौधरी करके आप सर्च करिए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर। खुद अपनी समस्या बताएंगे। इनके यहाँ 5 बजे कितने बजे लाइट गोल होता है? 5 बजे से सर गोल होता है, सीधा 11 बजे रात को आता है। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, और बिजली ऑफिस वाले लोग लाइन कटौती करके काट देते हैं लाइन को। जी जी। आप यहाँ से एक फेस भी नहीं देते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं। जी मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो वीडियो देखते हैं, प्लीज बिजली विभाग से मैं निवेदन करूंगा आप इनको कम से कम बिजली की सुविधा दीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे लोग लेके रहते हैं, अगर आप लाइट नहीं देंगे अंधेरे में हादसा हो जाएगा और उसकी वजह से कोई किसी की जान चले जाएगी। तो आप कम से कम लाइट देंगे तो यहाँ ये प्रॉपर अच्छे से रह पाएंगे और बड़ा हादसा को टाल पाएंगे। दोस्तों अभी जो खैरा गांव से हम लोगों ने 6 रेड स्नेक को एक ही जगह से पकड़ा था, उसको हम लोग उसके प्राकृतिक माहौल में रिलीज कर रहे हैं।